हाय गाइस, हाउ आर यू? बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर फास्ट ट्रैक रिवीजन, AS 10 एंड IND AS 16. AS 10, IND AS 16. मैं उसको AS 10 बोलूं, IND AS 16 बोलूं, एक ही बात है. AS 10 या फिर IND AS 16, नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर CA फाइनल, न्यू एज वेल एज ओल्ड सिलेबस. मतलब ये कि ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स और ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स इक्वली देख सकते हैं, क्योंकि AS 10 जो हुआ करता था पहले, फिक्स्ड असेट्स, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे रिविजन हुए और उसको रिवाइज किया गया, फाइनली IND AS 16 की तरह बना दिया गया. सो प्रैक्टिकली देर आर नो सच डिफरेंसेस बिटवीन AS 10 एंड IND AS 16. अगर मैं आपको IND AS 16 पढ़ा रहा हूं तो AS 10 ही है, AS 10 पढ़ा रहा हूं तो IND AS 16 ही है. नाम हुए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. नोट्स आपको मिल जाएंगे साथ में, नोट्स की बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, नोट्स आपको साथ में मिल जाएंगे. अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो जो कि फास्ट ट्रैक रिवीजन है, मैं बार बार फास्ट ट्रैक रिवीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप समझ लीजिए कि मैं सिर्फ यहां पर वन डे बिफोर एग्जाम्स के पर्पज से ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि बच्चे ये वीडियोस अगर देख रहे हैं तो ये मानते हुए देखें कि उनका एक जल्दी क्विक रिवीजन हो रहा है. तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्विक रिवीजन के लिए. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? PPE क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में सबसे पहले हम बोलते हैं हेड फॉर यूज. हेल्ड फॉर यूज, सबसे पहले हम बोलते हैं हेल्ड फॉर यूज. यूज किसमें? हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन. हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई, इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हम उसको यूज करते हैं. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब ऐसी कोई भी असेट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब ऐसी कोई भी टेंजिबल असेट. टेंजिबल असेट सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनटेंजिबल के लिए तो हमारा AS 26 और IND AS में IND AS 38 अप्लाई होता है. तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब ऐसी कोई भी टेंजिबल असेट जो कि हेल्ड फॉर यूज हो, ना कि हेल्ड फॉर सेल. हेल्ड फॉर सेल नहीं होनी चाहिए, हेल्ड फॉर यूज होनी चाहिए. और किसमें? इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है ना? या फॉर रेंटल टू अदर्स, आप उसको किराए पर देते हो. रेंटल टू अदर्स, फॉर रेंटल टू अदर्स, आप मशीन किराए पर देने का काम करते हो, हायर परचेज पर देने का काम करते हो, गाड़ियां आप किराए पर देते हो, हायर परचेज पर देते हो, ये वाला काम है. और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, जैसे एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग आ जाएगी इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरी है उसकी एक एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें उसके इंप्लॉइज बैठे हैं, जहां पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, जहां पर बोर्ड मीटिंग हो रही है, जहां पर काम चल रहा है, तो जहां पर बैक ऑफिस का काम चल रहा है, तो उसको बोलेंगे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस. तो बेटा ऐसी कोई भी टेंजिबल असेट जो हेल्ड फॉर यूज हो, हेल्ड फॉर यूज किसमें होगा? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. प्लस उसके अलावा और क्या होना चाहिए? प्लस 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 उसके अलावा क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड टू यूज, एक्सपेक्टेड टू यूज फॉर मोर देन, फॉर मोर देन, फॉर मोर देन 12 मंथ्स. 12 महीने से ज्यादा आप उसको यूज करोगे. देखो यहां क्या है, हेल्ड फॉर यूज, मैं उसको यूज कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन है यहां पर यूज करने का. तो इंपॉर्टेंट इज इंटेंशन. आपको यहां पर मैनेजमेंट का इंटेंशन पहचानना है. मैनेजमेंट का इंटेंशन है यूज करने का, तो वो उसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी. अब यूज कब तक हो सकती है? एक्सपेक्टेशन है कि 12 महीने से ऊपर हो सकती है. अगर 12 महीने से ऊपर होगी तो ही हम उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानेंगे, क्योंकि वो नॉन करंट असेट की हेड में आता है. अगर वो
विदिन 12 मंथ्स ही होगा, मतलब वो यूज होगा नॉट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो वो हमारा करंट असेट हो जाएगा, हम उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं रखेंगे, हम उसको अदर करंट असेट्स में रखेंगे। मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में दो चीजें आती हैं, हेल्ड फॉर यूज और दूसरा एक्सपेक्टेड टू यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। चलो ये हो गई अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बायोलॉजिकल असेट। बायोलॉजिकल असेट्स, ये न्यू सिलेबस वाले बच्चे शायद थोड़ा सा ज्यादा इसको जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि न्यू सिलेबस में एक इंडेस है, इंडेस 41 एग्रीकल्चर, एक इंडेस है इंडेस 41 एग्रीकल्चर, न्यू सिलेबस में उसको पूरी अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल असेट क्या होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल असेट को इंडेस 41 में डिस्क्राइब किया गया है। ये बायोलॉजिकल असेट क्या होता है, बायोलॉजिकल असेट का मतलब होता है लिविंग प्लांट्स प्लस एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजिकल असेट्स का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स। एक्चुअली में यह कहा गया है कि बायोलॉजिकल असेट आर नॉट पीपीई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास लिविंग प्लांट्स हैं या अगर आपके पास एनिमल्स हैं तो वो आपके पीपीई नहीं होते, आपके वो पीपीई नहीं होते हैं। अगर आपके पास लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो आपके पीपीई नहीं हो सकते, दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज योर पीपीई। अभी रुक जाइए, अभी मैं इसमें कुछ एक्सेप्शन की बात करूंगा। प्राइमा फेसी दे आर नॉट योर पीपीई, वो आपके किस में कवर होंगे, वो आपके इंडेस 41 एग्रीकल्चर में कवर होंगे, वो आपकी असेट हुए बट वो आपके पीपीई में कवर नहीं होंगे सबसे पहले, ठीक है ना। अब वाई दे आर नॉट ट्रीटेड एज पीपीई, they are not PPE if not used for agriculture purpose, agriculture purpose, sorry, they are not PPE if used for agriculture purpose, मैंने not लगा दिया, if used for agriculture purpose, अगर जैसे मान लीजिए animals की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स इफ आई एम मेंटेनिंग सम एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस मतलब काफ काउस, मेरे पास तबेला है, ठीक है ना, मेरे पास बहुत सारी गाय हैं, मेरे पास बहुत सारे भैंस हैं, मैं ना क्या करता हूं, मैं दूध निकालता हूं, दूध निकालने के बाद उसको बेचने का काम करता हूं, अमूल कंपनी का ले लो आप एग्जांपल। सो बेसिकली अगर एक कंपनी एनिमल्स मेंटेन कर रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो वो एनिमल्स उसके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होंगे। बट अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं कर रही है, अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल वी आर मेंटेनिंग सिक्योरिटी डॉग्स, डॉग सिक्योरिटी डॉग फॉर फैक्ट्री एंड आवर बिल्डिंग्स एंड फॉर आर अदर असेट्स, हम अपनी अदर असेट्स की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी डॉग मेंटेन करते हैं, तो जो सिक्योरिटी डॉग है it is also an animal but it is not being used for agriculture purpose, and if it is not being used for agriculture purpose then it must be treated as PPE, property plant and equipment। So कहने का simple मतलब है biological asset अगर आपके agriculture purpose से use हो रही है तो आपकी वो PPE नहीं होगी, अगर agriculture purpose से use नहीं हो रही है तो आपका PPE होगा। अब अपन एक plant पे बात करते हैं, बेटा plant दो type के होते हैं, plant होते हैं non bearer plant, प्लांट दो टाइप के होते हैं, नॉन बियरर प्लांट्स और एक होते हैं बियरर प्लांट्स, बियरर प्लांट्स। मैं आपको बियरर प्लांट्स का मतलब समझा दूंगा तो नॉन बियरर प्लांट्स का मतलब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं सब चीजें नोट्स में लिखी हुई है। नॉन बियरर प्लांट का मतलब क्या होता है, नॉन बियरर प्लांट मतलब एक ऐसा प्लांट जिसकी अपने आप में यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है, एक ऐसा प्लांट जिसकी अपने आप में यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है, सबसे पहली बात। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करता है, एक ऐसा प्लांट जो अपने आप में खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रिएट करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बियरर प्लांट मतलब क्या, बियरर प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो, जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो, ठीक है ना, विच इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो अपने आप में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। बेटा ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब ऐसा कोई भी, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
ठीक है ना, फ्रूट्स आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वीट, ग्रेन्स, पल्सेस, दीज आर व्हाट, दीज आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है। तो बियरर प्लांट अपने आप में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करता है, जैसे ट्रीज, कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री क्या होगा सकता है? कोकोनट ट्री बियरर प्लांट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोकोनट ट्री की लाइफ 12 महीने से ऊपर होगी। कोकोनट ट्री क्या पैदा करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोडक्शन करेगा? कोकोनट्स। तो कोकोनट्स क्या हो सकते हैं? कोकोनट्स कैन बी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है ना। एंड क्या ये रिकरिंग नेचर में, मतलब क्या ये रेगुलरली प्रोडक्शन करता रहेगा? बिल्कुल प्रोडक्शन करता रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो बियरर प्लांट्स विच क्रिएट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, विच क्रिएट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो आप सिंपल सा एग्जाम्पल समझ सकते हो, एग्जाम्पल ट्रीज। तो जो बियरर प्लांट्स होते हैं उनको ये सब बोला जाता है। अब नॉन बियरर प्लांट्स में आप समझ जाना कि जो बियरर प्लांट्स नहीं होते हैं वो नॉन बियरर प्लांट्स होते हैं। नॉन बियरर प्लांट्स मतलब अपने आप में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, अपने आप में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा बियरर प्लांट्स आर पीपीई, बियरर प्लांट्स पीपीई होते हैं। सर क्यों, काहे को? बियर प्लांट्स पीपीई क्यों होते हैं? सर बियर प्लांट्स पीपीई इसलिए होते हैं क्योंकि दीज आर हेल्ड फॉर यूज, नॉट फॉर सेल। क्योंकि वो आपके प्रोडक्शन में काम आते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करता है, इसीलिए उसको आप बोलोगे हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड एक्सपेक्टेड टू यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, क्योंकि इनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है। तो बियर प्लांट्स आपके प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो चुका होगा, बियर प्लांट्स आपके प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस वॉज योर डेफिनेशन पार्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, बियर प्लांट का मतलब क्या होता है। अब अपन आएंगे सबसे पहले रिकॉग्निशन पार्ट पे। अब अपन सबसे पहले आएंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। रिकॉग्निशन, बेटा रिकॉग्निशन में दो चीजें आती हैं, एक होता है इनिशियल रिकॉग्निशन, हाँ, एक होता है सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन। बेटा इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहली बार किसी भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना, पहली बार किसी भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना। और सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब होता है बैलेंस शीट डेट पे उसका मेजरमेंट करना, बैलेंस शीट डेट पे उसका मेजरमेंट करना। तो सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन हमेशा बैलेंस शीट डेट पे होता है, ठीक है ना। अच्छा, इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब आप जब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करते हो, इनिशियली रिकॉर्ड करते हो, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या मैं किसी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई को इनिशियली रिकॉर्ड कर सकता हूं, हाँ या ना? हाँ, कर सकता हूं अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मैं किसी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर सकता हूं। ये दो कंडीशन कौन सी है? इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन व्हेन व्हाट, व्हेन एंटिटी एक्सपेक्ट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंटिटी एक्सपेक्ट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू फ्लो फ्रॉम इट, टू फ्लो फ्रॉम पीपीई। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है आपका, जो असेट है बेसिकली, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स असेट, मतलब जो आपका टेंजिबल असेट है, अगर आपको पता है कि उससे आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगर आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है क्या फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे? हाँ हाँ, एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन है प्लस क्या उसकी कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो? कॉस्ट कैन बी measured, cost can be measured reliably, cost can be measured reliably। तो अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है, हमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। मेरी बात समझ आएगी नहीं? कौन सी दो कंडीशन? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्लस कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये छोटा सा पॉइंट था, इसमें कोई मतलब ज्यादा नहीं है। एक छोटा सा किस्सा आता है, सर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, जिग, इक्विपमेंट्स, ये जो छोटे छोटे चीजें होती हैं, स्मॉल इक्विपमेंट्स, सर इनका क्या करना चाहिए, इनका क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग जब से AS10 रिवाइज हुआ है या IND AS 16 आया है, तो इसके रिगार्डिंग क्लियर कट पिक्चर बताई गई है।
क्लियर कट पिक्चर बताई गई है कि जो छोटे छोटे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन के साथ में जो लगाए जाते हैं, ठीक है ना, अगर अगर वो AS-10 या फिर IND-16 में PPE की डेफिनेशन में फॉल होते हैं, PPE की डेफिनेशन क्या थी, हेल्ड फॉर यूज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो अगर इनकी लाइफ, अब मैं पता है कि टूल्स स्पेयर पार्ट्स आपके 12 महीने से ज्यादा यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, एंड दीज आर हेल्ड फॉर यूज, एंड डेफिनेटली ये तो हेल्ड फॉर यूज ही है। मुद्दा मेन आता है कि क्या उनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है क्या, हाँ, तो वो आपके AS-16 और IND-16 और AS-10 में ही कवर होंगे, पीपीई होंगे। बट अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, अगर वो आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, दैट मींस अगर मान लो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ 12 महीने के अंदर अंदर है, तो आप उनको इन्वेंट्री का हिस्सा मानोगे, AS-2 में ले जाओगे, IND-2 AS-2 एक ही बात है, AS-2 बोलो या फिर IND-2 बोलो, आई बात समझ में कि नहीं। सो इफ दे डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी एज पर IND-16 या फिर AS-10, सच आइटम्स विल बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेंट्री। तो हर ईयर के एंड में जो भी आपकी नॉर्मल इन्वेंट्री होती होगी, उसमें आप अलग से ये वाली इन्वेंट्री भी दिखाया करोगे। मतलब सीधी बात है यार, वो बोलना चाहता है उसको एक्सपेंस ऑफ मान लो, ठीक है ना, एक्सपेंस ऑफ कर लो, उसको असेट बनाने की जरूरत नहीं है। इसको असेट कब बनाओगे, जब वो IND-16 या IND-10 में फॉलो। चलो ये भी समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। इनिशियल रिकॉग्निशन से जुड़ी हुई मैंने आपको सबसे पहले बात बताई कि इनिशियल रिकॉग्निशन हमें कब करना चाहिए, इनिशियल रिकॉग्निशन हमें कब करना चाहिए, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अब हमें इनिशियल रिकॉग्निशन, आगे बात करते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है, मतलब वैल्यू क्या होती है, यहां पर वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू शुड बी कॉस्ट, वैल्यू शुड बी कॉस्ट। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, कभी भी फेयर वैल्यूएशन पे नहीं होगा। IND-S वाले बच्चे ध्यान से सुने, न्यू सिलेबस वाले, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे सिलेबस में, न्यू सिलेबस में IND-S एप्लीकेबल है और IND-S का मैक्सिमम जो एम्फेसिस होता है वो फेयर वैल्यू होता है, तो इसका मतलब आप बोल के चलो भैया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। नो, द इनिशियल रिकॉग्निशन शुड ऑलवेज बी एट कॉस्ट। मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पे होता है, जिसको हम कॉस्ट मॉडल बोलते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट, ठीक है ना, प्लस टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। दूसरा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए लेबर आपने सेल्फ जनरेट कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल्फ जनरेट कर रहे हो, तो लेबर कॉस्ट लगा। या फिर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने के लिए कोई इंजीनियर की सर्विसेज ले रहे हो, तो आपने इंजीनियर को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है ना। आप इसके अलावा जो भी आपके इंप्लॉइज कॉस्ट होते हैं, टेस्टिंग कॉस्ट होती है, वो सब आता है। अच्छा, इसके अलावा लेबर हो गया, कंसल्टेंसी लिख देते हैं, और एक लिखते हैं टेस्टिंग ऑफ पीपीई। तो टेस्टिंग कॉस्ट जो होती है वो भी आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में आती है। कंसल्टेंसी मतलब प्रोफेशनल फीस वगैरह आ गई, ठीक है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज डीकमीशनिंग और रीस्टोरेशन। डीकमीशनिंग और रीस्टोरेशन। सर, ये डीकमीशनिंग और रीस्टोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है इस पूरे कॉस्ट में। परचेज प्राइस प्लस टैक्सेस, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जिसमें ये सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आएगा इस बार। अब क्या हो गया है, IND-16 जब से आया, फिर AS-10 को भी रिवाइज किया गया, कॉस्ट में ये तीसरी बात जोड़ी गई। ये तीसरी बात क्या है? ये तीसरी बात का मतलब ये है, ये पॉइंट हर असेट पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, हर पीपीई पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। मान लीजिए एक ऐसी एंटिटी जो एक पावर प्लांट इंस्टॉल कर रही है अपने साइट पे, और मान लीजिए उन्होंने, वो जो पावर प्लांट इंस्टॉल करवाया जा रहा है
उस पावर प्लांट को 60 इयर्स तक रन किया जाएगा, उस पावर प्लांट को 60 इयर्स तक यूज किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। आफ्टर 60 इयर्स गवर्नमेंट ने यह बोला है, मतलब गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि ठीक है आप इस अपनी साइट पे पावर प्लांट लगा सकते हो, बट आफ्टर 60 इयर्स आपको ये पावर प्लांट को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी आप इंस्टॉल कर रहे हो, आपको 60 इयर्स के बाद इसको अनइंस्टॉल करके वापस से साइट को रिस्टोर करना पड़ेगा, मतलब साइट जैसे पहले थी इंस्टॉल करने से पहले आपको वैसे ही पूरा साफ करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं बेटा डीकमीशनिंग या फिर रिस्टोरेशन। तो एंटिटी क्या करेगी, एंटिटी जिस टाइम पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अक्वायर कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, उस टाइम पे ये चेक करेगी कि आफ्टर 60 इयर्स हमारी डीकमीशनिंग करने की कॉस्ट कितनी आएगी या रिस्टोरेशन करने की कॉस्ट कितनी आएगी। से 50 करोड़ डीकमीशनिंग का कॉस्ट आएगा, 50 करोड़ का कॉस्ट आएगा डीकमीशनिंग का, और कब आएगा, 60 इयर्स बाद में। तो 60 इयर्स बाद में जो हमारा जो कितना करोड़ बोला मैंने, 50 करोड़ का जो कॉस्ट आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू किसी डिस्काउंटिंग रेट पर अकॉर्डिंग टू इंड एस 37 या फिर AS 29 प्रोविजंस कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज। तो डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट को भी शामिल किया जाएगा, आज कैपिटलाइज किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 50 करोड़ की आज प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए, अगर मान लो 10% की बात करें, 10% का रेट अगर ले लें, तो मान लो 50 करोड़ की आफ्टर 60 इयर्स जो मुझे खर्चा करना पड़ेगा उसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो इट कम्स से 5 करोड़। तो टुडे आई विल कैपिटलाइज 5 करोड़ रुपीज इन माय कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मान लीजिए मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैंने मान लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 500 करोड़ का खरीदा और 50 करोड़ का खर्चा आएगा आफ्टर 60 इयर्स टू अनइंस्टॉल, जिसका प्रेजेंट वैल्यू 5 करोड़ है। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 505 डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 505 डेबिट, 500 करोड़ प्लस 5 करोड़ ये एट प्रेजेंट वैल्यू, टू वेंडर जिससे हमने ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंस्टॉल करवाया 500, उसको तो हमें 500 देना है, 5 रुपए एक्स्ट्रा क्या है, 5 करोड़ इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में हम जो पेमेंट करेंगे, तो हम बोलेंगे टू प्रोविजन 5 प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, डीकमीशनिंग कॉस्ट 5। सर ये 5 हमेशा रखा रहेगा, नहीं बेटा 5 धीरे 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 बढ़ता रहेगा, हर साल आप इसमें इंटरेस्ट ऐड करते जाओगे। बेसिकली 50 करोड़ को आज आपने प्रेजेंट वैल्यू 5 करोड़ पे लिखा है, तो डेफिनेटली हर साल आप इसके ऊपर 10% या जो भी डिस्काउंटिंग रेट चेंज होता रहेगा आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते जाओगे और वो इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में ये 3 चीजें आती हैं बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की चीजों में 3 चीजें आती हैं, कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, सॉरी। ओके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता है, एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, मोस्टली इंस्टीट्यूट पूछता रहता है, आपको 10-12 आइटम्स दे देगा अलग अलग टाइप के और बोलेगा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन। तो आपको मैंने क्या क्या बोला, परचेस कॉस्ट आएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आएंगे, पर अगर टैक्सेस रिफंडेबल है तो नहीं आएंगे, लाइक जीएसटी वगैरह ध्यान रखिएगा, जीएसटी पे हो सकता है कुछ पूछा जाए, जीएसटी की नॉलेज आपको होगी, मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, उसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा, जैसे लेबर कॉस्ट हो गया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में कंसल्टेंसी प्रोफेशनल फीस हो गई, टेस्टिंग कॉस्ट आएगी वो आएगी, डीकमीशनिंग कॉस्ट आएगी पर डीकमीशनिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू आएगा, याद रखिएगा डीकमीशनिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू आएगा, याद रखिएगा। न्यू सिलेबस वाले बच्चे अगर इसका क्वेश्चन देखना चाहते हो तो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड करूंगा कि वो लोग एक काम करें, अपने मॉड्यूल में, उनके मॉड्यूल में सबसे लास्ट में कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह दिए हुए हैं और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो सबसे लास्ट में टेस्ट नॉलेज में उनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
फिफ्थ एंड सिक्स्थ या सिक्स्थ एंड सेवन्थ, तो वो क्वेश्चन आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा डीकमिशनिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। और सिलेबस वाले बच्चे सिर्फ इतना याद रखें कि डीकमिशनिंग कॉस्ट जो होगी उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा और वो प्रेजेंट वैल्यू आपको कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा वो भी हो सकता है पूछेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या नहीं आता कॉस्ट में, क्या क्या नहीं आता। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नहीं आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, ये तो वैसे भी नहीं आने चाहिए, तो बिल्कुल आम बात है। स्टार्टअप कॉस्ट, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। स्टार्टअप कॉस्ट अगर आप अपना कोई नया फैक्ट्री ओपन कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, कोई स्टार्टअप कॉस्ट आ रही है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस अगर कुछ कर रहे हो तो वो नहीं आएंगे, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, स्टार्टअप कॉस्ट ये सब नहीं आएंगे। आपने कुछ इनॉग्रेशन किया नई बिजनेस फैसिलिटी का तो वो नहीं आएगा, इनॉग्रेशन, प्रमोशन, स्टार्टअप ये सब चीजें नहीं आएगी। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग आप इनिशियल एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बियर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, लॉन्चिंग कॉस्ट हो गई, ये सब आपके नहीं आएंगे। और इंपॉर्टेंट लास्ट, अगर आपको कुछ इनिशियल ऑपरेटिंग नेचर के लॉसेस हो रहे हैं, इनिशियल ऑपरेटिंग नेचर के लॉसेस हो रहे हैं, जैसे 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 रिसेंटली अभी जो टाटा ग्रुप है, रिसेंटली अभी जो टाटा ग्रुप है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है टाटा ग्रुप का भी एक एयरलाइंस आ चुका है, है ना, अपने इंडिया में टाटा ग्रुप का भी एयरलाइंस आ चुका है, विस्तारा करके, विस्तरा या विस्तारा करके आ चुका है, लेट मी चेक कौन सा है, विस्तारा करके आया है आई थिंक। तो मान लीजिए अब टाटा ग्रुप ने अपना एक नया कंपनी ओपन किया, एयरलाइंस कंपनी ओपन किया विस्तारा। अब आपको तो पहले ही पता है कि इंडिया में एयर इंडिया नहीं चल पा रहा, एयर इंडिया गवर्नमेंट का ब्रांड है वो भी लॉस मेकिंग है, स्पाइस जेट लॉस मेकिंग है, सारे के तो ब्रांड्स लॉस मेकिंग है। तो जो ये विस्तारा है, मान लो विस्तारा ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने मान लीजिए 10 जहाज परचेज कर लिए, 10 इन्होंने एयरप्लेन्स वगैरह परचेज किए, ठीक है ना, पैसेंजर प्लेन्स वगैरह परचेज किए। अब उन्होंने पैसेंजर प्लेन्स तो परचेज कर लिए, वो तो उनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बट इनिशियली मान लो उनको कुछ ऑफर्स देने पड़े ऑपरेट करने के लिए, तो स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग में 6 महीने वो लॉस मेकिंग थे, मान लीजिए ऑपरेटिंग लॉसेज उनको हुए, तो वो क्या बोलेंगे कि यार अभी तो हम टेस्टिंग पे थे, अभी हम टेस्ट रनिंग पे थे, तो जो भी हमें लॉसेज हुए हैं वो हम अपने जहाजों की कॉस्ट में एड कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसे लॉसेज को ऑपरेटिंग लॉसेज बोला जाएगा, और क्या बोलते हैं, ऐसे लॉसेस आपके कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे, ठीक है ना। हाँ, विस्तारा, VISTARA, विस्तारा, तो ये टाटा का है, शायद टाटा का ब्रांड है। ओके, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी। एक क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं और क्या क्या चीजें आएंगी नहीं आएंगी। एक क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि भैया मशीन खरीदी है, मशीन की कॉस्ट में क्या क्या आएगा बताइए। तो पहला वो बोल रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन आएगा, बिल्कुल लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन मतलब मेन प्राइस ऑफ मशीन आएगा। उसमें वो बोल रहा है इंपोर्ट ड्यूटी, हाँ इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल आएगा क्योंकि वो रिफंडेबल नहीं होती है। उसके बोल रहा है डिलीवरी फीस, डिलीवरी फीस आएगा डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, बेटा बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन भी आपका डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, बेटा मैंने आपको टेस्टिंग लिखवाया था, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी आपका आएगा। पर उसके बाद उसने लिखा है परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, हमने जो मशीन खरीदी है उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी परचेज कर लिया, 5 साल तक हमें मेंटेनेंस का एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, इनिशियली हम 7 लाख रुपए पे कर रहे हैं मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का 5 ईयर्स के लिए। बेटा ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये रिकरिंग नेचर की कॉस्ट होती है, ये आपका कैपिटलाइज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो माइनस होता है, याद रखिएगा माइनस ट्रेड डिस्काउंट, बट कैश डिस्काउंट कभी भी आप माइनस नहीं करोगे। चलिए, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं क्या क्या नहीं लेते हैं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं मैं आपको, अभी हम इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही खड़े हैं। अच्छा, ये वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं, ठीक है ना, एक पार्ट में मैं इसका फास्ट ट्रैक मतलब इसका क्विक रिवीजन कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, आपको पता है मैं 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स के ऊपर का वीडियो नहीं लूंगा। ओके, सो इनिशियल रिकॉग्निशन की बात चल रही है और कॉस्ट की बात चल रही है, पर अब कॉस्ट में हमने देखा कि कॉस्ट में कितनी चीजें आती हैं, ये हमने देख लिया। इसके अलावा आप मान लो
आपने जो असेट खरीदा है वो एक्सचेंज पे खरीदा है, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ अदर असेट, अदर असेट या पीपीई। ऐसे केस में आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे रिकॉर्ड करोगे? अरे सिंपल सा फंडा है कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया, उसके बदले आपने जो कंसीडरेशन दिया वो कंसीडरेशन कैश में नहीं है, वो कंसीडरेशन किसी असेट के रूप में है। आपने कोई असेट दिया या पार्ट इन कैश पार्ट इन असेट, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में, एक्सचेंज वाले केस में क्या करोगे? एक्सचेंज वाले केस में आपने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदा है उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बॉट शेल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू यहां पर हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? फेयर वैल्यू। कौन सी फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिसीव्ड। जो आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिसीव हुआ है ना, उसकी फेयर वैल्यू पे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो असेट गिवन, जो आपने असेट दिया है, जो आपने असेट दिया है उस पे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, अच्छा ये फेयर वैल्यू पे, ये फेयर वैल्यू पे। मैं फिर से बोल देता हूं, आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया, अगेंस्ट दिस आपने कैश नहीं दिया, आपने बैंक से पेमेंट नहीं किया, आपने अगेंस्ट उसके असेट दे दी, तो आप उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस पे रिकॉर्ड करोगे? आप उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। अगर उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती रीजनेबली, तो आपने जो असेट दी है उसकी फेयर वैल्यू पे। अगर वो भी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती तो बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन, ये तो होगी होगी आपके पास, क्योंकि जो असेट आप दे रहे हो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होगी, तो बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन। इसके अलावा प्लस माइनस, इन तीनों में से तो कोई एक होगा, प्लस माइनस कैश रिसीव्ड और पेड, कैश रिसीव्ड और पेड। सर कैश रिसीव्ड पेड मतलब? अरे मेरे दोस्त, आपने मान लीजिए मशीन परचेस किया, उसके अगेंस्ट आपने अपना लैंड दे दिया, लैंड दे दिया, और उसके अलावा आपने कैश भी पे किया 10 लाख रुपए। क्या करोगे? कैसे करोगे? आप क्या करोगे? आप अपनी मशीन को किस पे रिकॉर्ड करोगे? अपनी मशीन को रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। इसके अलावा कैश की एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी ना, जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री क्या करोगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू लैंड टू कैश, सिंपल। जो भी डिफरेंस आएगा वो पी एंड एल में। आई बात समझ में कि नहीं? तो कैश एंड बैंक बैलेंस को अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा, ध्यान रखना। चलो ये था आपका एक्सचेंज ऑफ अदर असेट और पीपीई। दूसरा, ओके, कॉस्ट में ये चीज आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इफ पेमेंट ऑफ पीपीई इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स या नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, तो क्या करोगे? पहले तो बताओ डिफर्ड का मतलब क्या होता है। अरे आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया और आप उसका पेमेंट डिफर कर रहे हो, डिफर मतलब अभी नहीं दोगे, आप दोगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, समझ आएगी नहीं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया, आप पेमेंट अभी नहीं करोगे, पेमेंट करोगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो एक बार बताओ, इसको बोल रहे हैं पेमेंट ऑफ पीपी इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। आपने एक वेंडर से मशीन परचेज किया, वेंडर नॉर्मली उस मशीन के लिए 6 मंथ्स का क्रेडिट देता है, 6 मंथ्स का क्रेडिट देता है। 6 मंथ्स के क्रेडिट पर मशीन की जो वैल्यू होती है वो होती है 50 crores, बट आपने वेंडर से 2 ईयर्स का क्रेडिट लिया है, 2 साल का क्रेडिट लिया है, और वेंडर ने आपको 2 साल का क्रेडिट तो दे दिया,
बट आपको वेंडर ने जो बेचा है जिस वैल्यू पर, वो 50 लाख 50 करोड़ पे तो ऑब्वियसली नहीं बेचेगा यार। कौन पागल आदमी होगा जो तुम्हें 6 महीने के क्रेडिट के क्रेडिट के बजाय 2 साल का क्रेडिट देगा और सेम प्राइस पे बेचेगा? वो पागल तो होगा नहीं। उसने आपसे लेना है 60 करोड़, वो 10 करोड़ रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। वाई? बिकॉज आपको वो 18 मंथ का क्रेडिट एक्स्ट्रा दे रहा है। तो आप क्या करोगे, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली जब रिकॉर्ड करोगे तो 60 करोड़ पे करोगे कि 50 करोड़ पे करोगे? बताओ किस पे करोगे? आप उसको 60 करोड़ पे नहीं कर सकते हो। ऑल्दो इनवॉइस आपका 60 करोड़ का है क्योंकि उसने आपको 60 में बेचा है, बट आप 60 में नहीं करोगे। ऐसे केस में कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कैश प्राइस इक्विवेलेंट। सर ये कैश प्राइस इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश प्राइस इक्विवेलेंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अगर आज ही मुझे इसका पेमेंट करना होता तो 50 करोड़ का करना होता। कैश प्राइस इक्विवेलेंट, कैश प्राइस इक्विवेलेंट मतलब 50 करोड़। अगर आज हम उसको नॉर्मल क्रेडिट टर्म पे परचेस करते तो 50 करोड़ से परचेस करते तो आज मैं अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैश प्राइस इक्विवेलेंट 50 करोड़ पे दिखाऊंगा। पर सर देना तो 60 है ना बेटा, 10 करोड़ का इंटरेस्ट उसको आप रिकॉर्ड करोगे 2 साल में। आई मेरी बात की नहीं समझ में? उसको आप 10 करोड़ रुपए को इंटरेस्ट की तरह रिकॉर्ड करोगे। मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप जरूर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये दो चीजें हो गई, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गवर्नमेंट ग्रांट में आपको मिलती है तो आप AS12 लगाओगे, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे। न्यू सिलेबस वाले बच्चे IND AS20 लगाएंगे। गवर्नमेंट ग्रांट में जो भी ट्रीटमेंट होता है, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो आप उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे? नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना, AS के अकॉर्डिंग। और IND AS के अकॉर्डिंग तो हमें पता है कि हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फाइनेंस लीज पे परचेस किया है तो फाइनेंस लीज मतलब आपको लगाना पड़ेगा AS19 और IND AS17, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। मुझे लगता है आपको अब क्लियर हो चुका होगा। इनिशियल रिकॉग्निशन की बातें हम कर चुके हैं, आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होंगी इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है। अब अपन चलते हैं सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। उसके बाद मैं आपको मतलब इसी का अगले पार्ट में बाकी चीजें कंटिन्यू करूंगा। हाँ जी, क्या कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, मैंने आपको बोला था सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब होता है बैलेंस शीट डेट पर मेजर करना। मेजर करना मतलब क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बैलेंस शीट डेट पर कैसे मेजर करेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बैलेंस शीट डेट पर कैसे मेजर करेंगे? ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट। बेटा देखो, इनिशियल रिकॉग्निशन जब तक था तो हम क्या अप्लाई कर रहे थे? कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट, AS और IND AS हमें अलाउ करता है, एंटिटी को यह कहता है कि या तो तुम कॉस्ट मॉडल अप्लाई करो या तो तुम रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करो, पर जो भी तुम अप्लाई करोगे उसको तुम्हें कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट बेसिस पे चलाना पड़ेगा। एक बात तो ये, सबसे पहले समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फैक्ट्री बिल्डिंग्स है, तीन बिल्डिंग्स है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स है 2, प्रोडक्शन मशीन्स है 10, ठीक है ना, व्हीकल्स है 15, फर्नीचर एंड फिक्स्चर है
अब उसको मैं बता नहीं सकता कितना है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन से बेटा आपके, दीज आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीई। यस, बिल्डिंग के भी मैंने दो अलग अलग क्लासिफिकेशन कर लिए। तो एएस और इंडेस अलाउ करता है तुम चाहो तो एक के लिए कॉस्ट, एक के लिए रिवोल्यूशन, एक के लिए कॉस्ट, एक के लिए रिवोल्यूशन, तुम्हारी मर्जी। बट तुम क्लासिफिकेशन वाइज जाओगे, असेट वाइज नहीं जाओगे। इसका मतलब अगर तुम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को रिवोल्यूशन मॉडल में लाना चाहते हो तो तुम्हें दोनों की दोनों रिवोल्यूशन मॉडल में लानी पड़ेगी, और अगर तुम अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को कॉस्ट में लाना चाहते हो तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि एक को मैं कॉस्ट पे करूं, एक को मैं रिवोल्यूशन पे करूं, दूसरी तीसरी को मैं कॉस्ट पे करूं। नहीं, सारी फैक्ट्री बिल्डिंग या तो कॉस्ट या तो रिवोल्यूशन। तो जो रिवोल्यूशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल आप अप्लाई करोगे वो क्लासिफिकेशन वाइज अप्लाई करोगे, याद रखना। अच्छा जी सर, क्या पढ़ा रहे हो? बैलेंस शीट डेट पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मतलब बैलेंस शीट डेट पर तुम्हारी असेट किस वैल्यू पे दिखनी चाहिए, या तो कॉस्ट या तो रिवोल्यूशन। सर कॉस्ट मॉडल मतलब, कॉस्ट मॉडल मतलब तुम्हारा जो भी ओरिजिनल कॉस्ट जो तुमने रिकॉर्ड किया था परचेज करते टाइम, वो माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट AS 28 या Ind AS 36, इस वैल्यू पे दिखाओगे। ओरिजिनल कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, आज तक जितना भी इंपेयरमेंट हुआ वो माइनस होगा। ये हुआ आपका कॉस्ट मॉडल। सर रिवोल्यूशन मॉडल का मतलब क्या होगा? रिवोल्यूशन मॉडल का मतलब क्या होगा? रिवोल्यूशन मॉडल कहता है फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एज ऑन बैलेंस शीट डेट, एज ऑन बैलेंस शीट डेट माइनस सबसेक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सबसेक्वेंट इंपेयरमेंट। सर ये क्या है सबसेक्वेंट? अरे यार, रिवोल्यूशन मॉडल का मतलब होता है कि तुम अपनी बैलेंस असेट को फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बैलेंस शीट पे तुम फेयर वैल्यू करोगे। मान लो तुम अपने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को पिछले साल से रिवोल्यूशन मॉडल पे दिखाते आए हो, एंड पिछले साल तुमने रिवोल्यूशन अप्लाई किया था, एंड दिस टाइम यू फाइंड दैट रिवोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रिवैल्यूड है, तो इस साल का डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे ना पिछले वैल्यू पे, पिछला आपने फेयर वैल्यू कर लिया था तो इस बार का डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे ना, तो इस बार का डेप्रिसिएशन मतलब सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन। तो पहले अपने दिमाग से ये चीज हटा देना कि रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब होता है कि हर साल रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, कर भी सकते हैं हर साल, नहीं भी कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि रिवैल्यूएशन मॉडल ये बोलता है कि आपको हर साल रिवैल्यू करना ही पड़ेगा, हर साल फेयर वैल्यू करना ही पड़ेगा। हो सकता है इस साल आप रिवैल्यू करना चाहते हो बट आपने आपने देखा कि इस बार की जो बुक वैल्यू है वो फेयर वैल्यू के बराबर ही है, या रिवैल्यूड ऑलरेडी है, वी डोंट वांट टू अगेन रिवैल्यूएट, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन मॉडल, इतना समझ में आया। रिवैल्यूएशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। सर मुझे अपनी असेट को रिवोल्यूशन मॉडल में रखना है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को रिवोल्यूशन मॉडल में रखूं, तो क्या मैं अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को हर साल रिवोल्यूशन करना पड़ेगा? मुझे रिवोल्यूशन हर साल अप्लाई करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी, क्या मुझे रिवोल्यूशन हर साल लगाना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है प्यारे कि तुम्हें हर साल रिवोल्यूशन करना पड़े, जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर साल रिवोल्यूशन करना पड़े। तो सर क्या है फिर? बेटा इसके दो रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? आइटम्स ऑफ पीपीई एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंड वॉलेटाइल चेंज इन फेयर वैल्यू। जो तुम्हारी पीपीई है ना उसमें हर साल चेंजेस होते रहते हैं, उनकी उसकी जो फेयर वैल्यू है ना, तुम्हारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसी है, ऐसी बिल्डिंग है कि एवरी ईयर उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं उसकी फेयर वैल्यू में, और चेंजेस वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल समझते हो? वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब वॉलेटिलिटी, मतलब चेंजेस बहुत ज्यादा होते रहते हैं, वॉलेटिलिटी। तो फेयर वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंजेस, सिग्निफिकेंट
चेंजेस, और फेयर वैल्यू में वॉलेटिलिटी है, वॉलेटाइल। अगर ऐसा है तो तुम एनुअल रिवैल्यूएशन करोगे, हर साल रिवैल्यूएशन करोगे, ठीक है ना। तुम क्या करोगे, हर साल रिवैल्यूएशन करोगे, और इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू में ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तुम्हारी एक ऐसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तुमने अगर एक बार उसको फेयर वैल्यू कर लिया ना, तो दो चार साल तक तो छोड़ ही दो कि उसकी फेयर वैल्यू में और कोई चेंजेस हो, ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तो 3 to 5 years, 3 to 5 years, आप 3 से 5 साल के बीच में एवरी 3 to 5 years में आपको एक बार रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? ओके सर, रिवोल्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, क्या तुमने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया है? हां, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया है। क्या फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करने पर इंक्रीज हुआ है? हां, इंक्रीज हुआ है। तो तुम एंट्री करोगे असेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या तुमने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया है? हां, इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वैल्यू कम हुई है एसेट की। अच्छा, तो तुम फेयर वैल्यू लॉस, जो कि तुम्हारे पीएनएल में जाएगा और टू असेट। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारे पीएनएल में नहीं जाएगा? अरे भैया गलती मत करना, रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी पीएनएल में नहीं जाता, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका दिखेगा अदर इक्विटी में। अदर इक्विटी का मतलब होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, क्या हो गया फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। अच्छा, सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन, आपने पहली बार रिवोल्यूशन पहले कर दिया था, आपने पहले रिवोल्यूशन किया था, अब आप फिर से रिवोल्यूशन कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन, सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन, सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज? सर इंक्रीज आ रहा है। अच्छा इंक्रीज आ रहा है, अच्छा इंक्रीज आ रहा है, पहले क्या आया था? पहले, अभी इंक्रीज आ रहा है, पहले कर चुके हो। सर पहले भी इंक्रीज आया था, अर्लियर इंक्रीज। अरे वाह, पहले इंक्रीज आया था तो तुमने कहां डाला था? रिवोल्यूशन रिजर्व में। अभी भी इंक्रीज आया है, कहां डालोगे? रिवोल्यूशन रिजर्व में। ट्रांसफर टू आरआर, रिवोल्यूशन रिजर्व। अच्छा, अर्लियर डिक्रीज, अर्लियर डिक्रीज, अर्लियर डिक्रीज मतलब जब तुमने पहले रिवोल्यूशन किया था तो डिक्रीज हुआ था, और डिक्रीज हुआ था तो क्या तुमने किया था, तुमने पीएनएल में चार्ज किया था, और अब क्या हो रहा है, अब तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। ओ माय गॉड, एक काम करो, पिछली बार जब तुमने डिक्रीज किया था तो कितना डिक्रीज हुआ था? सर डिक्रीज 15 लाख से हुआ था, 15 लाख से डिक्रीज हुआ था, 15 लाख से डिक्रीज हुआ था। अभी इंक्रीज हो रहा तो कितने से हो रहा है? अभी इंक्रीज हो रहा है सर मेरा 18 लाख से इंक्रीज हो रहा है। ओहो रुक जाओ, टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर डिक्रीज, टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर डिक्रीज आप पीएनएल में डालोगे। बेटा वैसे इंक्रीज का रूल क्या है, इंक्रीज का रूल क्या है कि हमें रिवोल्यूशन रिजर्व में डालना पड़ता है, बट क्योंकि पिछली बार हमारा डिक्रीज हुआ था, और डिक्रीज हुआ था तो हमने पीएनएल में चार्ज किया था, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर डिक्रीज आप इंक्रीज वाले को पीएनएल में चार्ज करोगे। मतलब फर्स्ट यूटिलाइज पीएनएल, देन यूटिलाइज रिवोल्यूशन रिजर्व, फर्स्ट यूटिलाइज पीएनएल, कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर डिक्रीज, देन यूज रिवोल्यूशन रिजर्व। चलो
सबसिक्वेंट रिवॉल्यूशन कर रहे हो और आपका डिक्रीज हो रहा है इस बार, आपका इस बार डिक्रीज हो रहा है। अच्छा इस बार डिक्रीज हो रहा है, पहले क्या हुआ था? पहले भी डिक्रीज हुआ था, आलिया डिक्रीज, बढ़िया है। पीएनएल में डालो, पहले भी डिक्रीज पीएनएल, अभी भी डिक्रीज पीएनएल, अर्लियर इंक्रीज। ओहो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले इंक्रीज था तो आपने रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाला होगा, इस बार डिक्रीज हो रहा है तो टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर इंक्रीज आपको इस बार रिवॉल्यूशन रिजर्व से सेट ऑफ करना पड़ेगा। फर्स्ट सेट ऑफ विथ रिवॉल्यूशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर इंक्रीज, या जितना आपके पास रिवॉल्यूशन रिजर्व में बैलेंस रखा है, देन ट्रांसफर टू पीएनएल, उसके बाद आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। बेटा इसका चार्ट भी मैंने अपने नोट्स में बना लिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नोट्स वगैरह देख सकते हो, आप मेरे नोट्स देख सकते हो। मुझे इसमें स्पेसिफिकली आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें आपको, मुझे स्पेसिफिकली एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाना है, उसके बाद मैं अपने इस लेक्चर को ओवर कर दूंगा, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन वगैरह हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एक असेट है जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए है, एक असेट है जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए है, ठीक है ना, असेट की कॉस्ट 1,00,000 रुपए, इसका एक्यूमुलेटेड डेप है, इसका एक्यूमुलेटेड डेप है 55, कॉस्ट ओरिजिनल एक्यूमुलेटेड डेप 55, ठीक है ना। अब मान लीजिए बैलेंस शीट डेट पर इसकी फेयर वैल्यू है 65, फेयर वैल्यू कितनी है 65, मैं क्या करूं, मुझे रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। मेरे को रिवॉल्यूशन करने के दो तरीके हैं, मेथड वन, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कॉस्ट 1,00,000 में से एक्यूमुलेटेड डेप 55 हटा दूंगा तो नेट WDV कितनी बचेगी 45, और मैं देखूंगा कि आज मेरी असेट 45 है मेरी बुक्स में, जबकि आज फेयर वैल्यू कितनी है 65, तो इसका मतलब मुझे असेट को कितने से बढ़ाना पड़ेगा 20,000 बढ़ाऊंगा तो एंट्री होगी एसेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व 2020, बट इससे पहले मुझे एसेट एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड डेप 55 टू असेट 55, क्योंकि असेट आपकी बुक्स में 1,00,000 की दिख रही है, एक्यूमुलेटेड डेप दिख रहा है 55, आप सबसे पहले असेट को अपने रियल वैल्यू पे ले आओगे, फिर आप उसमें रिवॉल्यूशन करोगे, सिंपल, ठीक है। नाउ मेथड टू, ये सबको इजी लगता है और इजी भी है, मेथड टू क्या है, मेथड टू में हम ये कहना चाहते हैं कि मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्यों हिलाऊं, मैं क्यों रिवर्स करूं, नहीं नो नहीं चलेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी बुक्स में आज तक दिखता है और दिखता रहना चाहिए, मैं अपनी असेट की वैल्यू क्यों घटाऊं, नहीं नहीं घटानी मुझे अपनी असेट की वैल्यू, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, मैं क्यों घटाऊं अपनी असेट की वैल्यू, मैं क्यों घटाऊं, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, तो आई डोंट वॉन्ट टू डी रिकॉग्नाइज दिस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सो हाउ शुड आई मेक एन एंट्री। ऐसे केस में मेथड वन का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा, और मेथड वन के अकॉर्डिंग आपको इतना तो पता चल चुका है कि रिवॉल्यूशन 20,000 का है, तो आप क्या बोलोगे, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय WDV इनटू 100, अरे 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, कितने की असेट पर, असेट की आज औकात कितने की है 45 की असेट है, 45 की असेट होके कितने की हो गई 65, तो कितने से इंक्रीज हुआ 20, तो आप परसेंटेज निकाल लोगे कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 20/45 दिस कम्स टू 44.44% इंक्रीज, ठीक है, आपका 20,000 से बढ़ गया, कितने के ऊपर बढ़ा 45 के ऊपर बढ़ा,
तो आपका 44% से इंक्रीज हो गया. नाउ व्हाट टू डू, अप्लाई दिस इन योर ओरिजिनल कॉस्ट एंड इन योर एक्यूमुलेटेड डेप्थ. सर व्हाट डज इट मीन, इट मींस आप अपनी ओरिजिनल कॉस्ट को 44.44% से इंक्रीज कर दो और आप अपने एक्यूमुलेटेड डेप्थ को भी 44.44% से इंक्रीज कर दो. तो ये कितना हो जाएगा, 144444 और 55 को 79442, ठीक है ना, इतने से आपने इंक्रीज कर लिया. तो एंट्री क्या हो रही है, एंट्री हो रही है असेट डेबिट कितने से इंक्रीज किया, 44444 टू एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना हो गया 79, पहले कितना था 55, तो 79442 माइनस 55 दैट इज 24442, डिफरेंस निकालो. इसको 4 ही कर देते हैं राउंडिंग ऑफ में, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इज 20,000. ये 20,000 क्या था याद करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू आरआर 20. इससे क्या हुआ, 7 भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी. मतलब कहने का कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने डी रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैं कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में दिखाता रहूंगा और मेरा रिजोल्यूशन रिजर्व आएगा 20,000. मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा. ठीक है सर, करना क्या होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व का, बेटा समझो मेरी बात को. रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर आप अपनी एसेट की कॉस्ट को बढ़ा रहे हो, रिवैल्यू कर रहे हो, तो फर्दर ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा आप उसको पीएनएल में ले जाओगे. कहां ले जाओगे, पीएनएल में. पर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिवर्स करके जनरल रिजर्व में ले जाओगे. अरे मेरी बात समझो, रिवैल्यूएशन करने से पहले आप अपनी एसेट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगाते थे तो 10 लाख का डेप्रिसिएशन आता था, अब डेप्रिसिएशन आता है 12 लाख का. अब डेप्रिसिएशन आता है 12 लाख का तो कितना डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 लाख. सबसे पहले तो पूरा पूरा 12 लाख रुपए आप अपने पीएनएल में चार्ज कर लो. ठीक है, नाउ रिवैल्यूएशन रिजर्व में से आप 2 लाख रुपीज रिवर्स करोगे. आपने जब असेट को इंक्रीज किया था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला था, आपने क्रेडिट किया था रिवैल्यूएशन रिजर्व. अब आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करोगे 2 लाख टू जनरल रिजर्व कर दोगे 2 लाख. मतलब अल्टीमेटली स्पेसिफिक रिजर्व से अमाउंट निकाल के आप फ्री रिजर्व्स में लेके जा रहे हो. रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के पीएनएल में मत ले जाना, जनरल रिजर्व में ले जाना. रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के पीएनएल में ले जाना बहुत बड़ा पाप है. ठीक है, अगेन ड्यू टू रिवैल्यूएशन योर फर्दर डेप्रिसिएशन विल बी हायर. ट्रांसफर इंटायर डेप्रिसिएशन टू योर पीएनएल अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, रिवर्स द रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व. सिंपल सर, जिस असेट को रिवैल्यू करते थे करते थे करते थे करते थे उसको सेल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, आप क्या करें, ओ वाओ असेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जो असेट रिवैल्यू होती थी, तो तुम्हारे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या कर रहा है फिर, जब असेट ही नहीं बची तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या कर रहा है, उस असेट के रिगार्डिंग जो रिवैल्यूएशन रिजर्व था उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी रिवर्स कर दो. सर कहां पीएनएल में, बहुत बड़ा पाप, पीएनएल में नहीं जनरल रिजर्व में. ठीक है ना, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कब कब रिवर्स होता है, जब आपका डेप्रिसिएशन लगता है तब रिवर्स होता है थोड़ा 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 थोड़ा, और या फिर जब आपकी असेट डिस्पोज ऑफ होती है सेल हो जाती है तो आपका रिवर्स होता है और वो पूरा पूरा जर्नलिज्म में चला जाता है. मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा. नाउ गाइज अब अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बची कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. नोट्स आपको मिल जाएंगे आपने डाउनलोड कर लिए होंगे. अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच, बाय बाय.